हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुकैया खातून, टीचर ऑफ फ्रेश बर्ड स्कूल. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर. एट वेरी फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट सेंटेंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इज व्हाट इज अ सेंटेंस. सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स complete sense. All sentences begin with a capital letter and end with a full stop. तो sentence का मतलब क्या होता है? Sentence का मतलब ये होता है जब बहुत सारे group of words एक साथ मिलते हैं और उसका एक सही मतलब बनता है, उसे हम लोग sentence कहते हैं. सारे सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड फुल स्टॉप से होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पिकॉक इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड. तो ये पहला एग्ज़ाम्पल का मतलब ये है, पिकॉक जो है वो बहुत ही सुंदर पक्षी है, इसका पूरा मतलब बन रहा है. और स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड में फुल स्टॉप भी है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेंटेंस है. दूसरा, सानिया इज़ गुड एट ड्राइंग. स्टार्टिंग कैपिटल लेटर एस से हो रहा है और एंड में फुल स्टॉप भी है, तो ये भी एक सेंटेंस है. तीसरे नंबर पे एंड दे, ये दोनों वर्ड के कोई भी मतलब नहीं बन रहे हैं और ना ही ये स्टार्ट कैपिटल लेटर से हो रहा है और ना ही इसके एंड में फुल स्टॉप है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है. फ़ोन नंबर भी जो है, इन दोनों वर्ड्स के कोई मतलब नहीं बन रहे, आई विल इसकी कोई मतलब नहीं बन रहे, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है. नंबर 5, राहुल इज़ अ गुड बॉय. तो राहुल एक अच्छा लड़का है, स्टार्ट जो आर से हो रहा है कैपिटल लेटर और एंड में फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक सेंटेंस है.